16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपने जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा रहा, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल, उसमें डालकर ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, तब माता जगज्जननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फिर ही हो। तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार 21 बार बोलकर 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ कर। टिकल करने में क्या जाए? अब इनमें कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवन घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ कुंदकेश्वर का नाम। कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर कर, पर साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता, बांधा को हरता,